Hello everyone, my name is Yatin Gupta and I welcome you all to my channel Double E Concepts. हम बात कर रहे थे पावर फ्लो इक्वेशंस के बारे में और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ट्रांसमिशन लाइन के लिए उसकी पावर फ्लो इक्वेशंस को डिराइव किया था जिसमें हमने रिसीविंग और सेंडिंग एंड पर रिएक्टिव और एक्टिव पावर के इक्वेशंस को डिराइव किया. ठीक है, तो इतना टास्क अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है. ओके, मैंने आपको बताया था दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा ये टॉपिक, जिसके अंदर एक पार्ट में तो हम पावर फ्लो इक्वेशंस को डिराइव करेंगे जो कि किसी भी तरह के नेटवर्क के लिए वैलिड रहेंगी, और दूसरे पार्ट में हम केवल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस के लिए पावर फ्लो इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. तो इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे पावर फ्लो इक्वेशंस फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. आई होप कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डेरिवेशन हमने किया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. उन्हीं चारों इक्वेशंस का यूज़ करके हम उनको मॉडिफाई करके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए पावर फ्लो इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. पावर फ्लो इक्वेशंस फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ शंट कंडक्टेंस एंड शंट कैपेसिटर, देयरफॉर दीज टू कैन बी नेग्लेक्टेड इन द कैलकुलेशंस. जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन का हमने नेटवर्क बनाया था मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, तो वहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के साथ साथ यहाँ पर शंट कंडक्टेंस और शंट कैपेसिटेंस भी कनेक्टेड था. लेकिन मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में आप उन दोनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इसी वजह से उन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. सो द बिलो गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क. ठीक है, स्मॉल नेटवर्क के अंदर, स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क के अंदर IS और IR दोनों सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शंट ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, तो जो सेंडिंग एंड साइड का करंट होगा वही रिसीविंग एंड साइड का करंट भी होगा. तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ दैट IS इज इक्वल टू IR. ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCD पैरामीटर की इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर इक्वेशंस. VS इक्वल्स टू ABR प्लस BIR एंड IS इक्वल्स टू CBR प्लस DIR, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. और फिगर से हमने लिखा IS इज इक्वल टू IR, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो मॉडिफिकेशन हमें परफॉर्म करने हैं यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक तो C की वैल्यू 0 होती है. जो ABCD कांस्टेंट होते हैं उसमें C कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होती है. क्यों होता है ऐसा? इक्वेशन नंबर 2 को आप जरा ध्यान से देखिए. IS इज इक्वल टू है CVR प्लस DIR. ठीक है, और इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए, इस स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क के लिए क्या चीज़ ट्रू है? IS इज इक्वल टू IR. तो अगर मुझे IS इज इक्वल टू IR चाहिए तो ये CVR वाली जो टर्म है ये इस इक्वेशन से एलिमिनेट होनी चाहिए. अब VR तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो रिसीविंग साइड का वोल्टेज है, उसे तो हम जीरो नहीं कर सकते. तो कौन जीरो होगा? कॉन्स्टेंट. ये C कॉन्स्टेंट यहाँ पर जीरो होगा, तभी हमें IS इज इक्वल टू IR मिलेगा. यहाँ पर जो D है उसकी वैल्यू 1 होती है, वो भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि C 0 होगा, B की वैल्यू यहाँ पर Z के इक्वल होगी और A और D दोनों की वैल्यू होगी 1 एंगल 0 डिग्रीज. यह है हमारी इक्वेशन नंबर 4. अभी मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि क्यों B की वैल्यू Z के इक्वल हो रही है और A और D 1 के इक्वल हो रहे हैं. अब देखिए, टू पोर्ट नेटवर्क्स के अंदर आप पढ़ते हैं कि जैसे अगर मान लो मुझे A कैलकुलेट करना है, इक्वेशन नंबर 1 से मुझे A कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर IR को 0 कर दूंगा और VS और VR का रेशो ले लूँगा. इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस में अगर मैं IR को 0 पुट करूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो A मुझे मिलेगा कितना? VS अपॉन VR कीपिंग IR इक्वल्स टू 0. अब ज़रा ध्यान दो कि IR इक्वल्स टू 0 करने का मतलब क्या हुआ? इस सर्किट में, इस नेटवर्क में IR को 0 कर दो, इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो गया. ठीक है ना, क्योंकि पूरा सीरीज नेटवर्क है और IS और IR बिल्कुल सेम है. तो IR अगर 0 हो गया तो ये जो VS वोल्टेज है ये पूरा का पूरा वोल्टेज इस पूरी ब्रांच पर अपीयर होने वाला है. इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जब IR की वैल्यू 0 है, उस केस में VS और VR बिल्कुल सेम है, उनमें कोई भी अंतर नहीं होगा. तो अगर दोनों सेम हुए तो इन दोनों का रेशो 1 के इक्वल आना चाहिए. तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. एज द लाइन इज ओपन सर्किटेड, वोल्टेज एट एनी पॉइंट ऑफ द लाइन मस्ट बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज. आप जानते हैं कि ओपन सर्किटेड कंडीशन में जो यहाँ पर वोल्टेज अपीयर हो रहा है थ्रू आउट द लाइन सेम वोल्टेज अपीयर होगा, इसी वजह से VS और VR का रेशो 1 के इक्वल आ रहा है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ VS इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VR और A की वैल्यू आ गई आपके पास 1. तो पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दी कि A की वैल्यू 1 के इक्वल होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं.
अब जरा मैं वी आर को जीरो पुट कर रहा हूं क्योंकि मुझे डी कैलकुलेट करना है। इक्वेशन नंबर टू में अगर मुझे डी चाहिए तो टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि अगर आपको डी कैलकुलेट करना है तो आप वी आर को जीरो करोगे और उसके बाद आई एस और आई आर का रेशो ले लोगे। ठीक है, तो यहां से मैंने डी इक्वल टू किया आई एस अपॉन आई आर, कीपिंग वी आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आई एस और आई आर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में आई एस और आई आर दोनों सेम होते हैं क्योंकि सीरीज नेटवर्क है, एक सीरीज लाइन में कोई भी दो करंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो आई एस और आई आर दोनों सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम हुए तो कैंसिल आउट होकर डी की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी, वन के इक्वल। ठीक है, तो दो चीज़ें प्रूव हो गई, ए इक्वल टू वन क्यों हुआ और डी इक्वल टू वन क्यों हुआ। अब बात करते हैं कि बी इक्वल्स टू जेड क्यों लिखा मैंने यहाँ पर। जेड एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सीरीज इम्पिडेंस को, आर और एक्स इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने जेड बोला है। ठीक है, अगर मुझे बी कैलकुलेट करना होता, इक्वेशन नंबर वन से अगर मुझे बी कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करता, वी आर को जीरो कर देता। ठीक है, और वी एस और आई आर का रेशो ले लेता जो बी की वैल्यू देता मुझे। ओके, तो बी विल बी इक्वल टू वी एस अपॉन आई आर, कीपिंग वी आर इक्वल टू जीरो। अब देखो वी आर को जीरो करने का क्या मीनिंग है इस सर्किट में, जरा देखो वी आर को जीरो करने का क्या मतलब हुआ। इस साइड को आपने शॉर्ट कर दिया और आप सेंडिंग एंड साइड पर खड़े हो और वी एस और आई आर का रेशो ले रहे हो। अब चाहे मैं आई आर बोलूँ या आई एस बोलूँ एक ही बात है। ठीक है, तो मैं वी एस अपॉन आई आर बोलूँ या वी एस अपॉन आई एस बोलूँ दोनों सेम बात है, और सेंडिंग एंड साइड पे खड़े होकर आपने वोल्टेज और करंट का रेशो लिया तो वो सेंडिंग एंड साइड से इक्विवेलेंट इम्पिडेंस क्या है पूरे नेटवर्क का उसे रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो कि इस साइड से अगर आप इक्विवेलेंट इम्पिडेंस कैलकुलेट करोगे तो वो जेड के इक्वल आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक अजम्पशन ले लूँ कि जो रेजिस्टिव पार्ट है सीरीज नेटवर्क का वो काफ़ी कम है, जो डोमिनेटिंग पार्ट है वो रिएक्टेंस है, तो मैं इसको जेड एट एन एंगल 90 भी लिख सकता हूँ। राइट, तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, जेड एंगल 90। तो चारों चीज़ें हमने यहाँ पर प्रूव कर दी, एक तो सी की वैल्यू जीरो रहेगी, बी की वैल्यू जेड के इक्वल रहेगी, ए इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू वन रहेगा। अब बस हमें कुछ नहीं करना, ये सारी जो वैल्यूज हैं उन्हें पावर फ्लो इक्वेशंस के अंदर पुट करना है। जो चार पावर फ्लो इक्वेशंस हमने डिराइव की थी उनके अंदर इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। ओके, सो पहले पी आर और क्यू आर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर जो रिसीविंग साइड पर हमें मिल रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बीटा किसका एंगल होता था, बी जो कॉन्स्टेंट होता था हमारे पास उसका एंगल होता था बीटा, जो कि अब 90 के इक्वल है, तो बीटा की जगह हम यहाँ पर 90 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अल्फा की वैल्यू यहाँ पर जीरो के इक्वल है, ओके, बीटा अगेन 90 है, एंड ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो चुकी है और बी को मैं यहाँ पर जेड के इक्वल लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से कॉस 90 मिलेगा मुझे, कॉस 90 होता है जीरो, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी और पी आर की वैल्यू मुझे मिलेगी वी एस वी आर अपॉन जेड इंटू कॉस 90 माइनस डेल्टा, क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा। पी आर इक्वल्स टू आपके पास आएगा वी एस वी आर अपॉन जेड इंटू साइन डेल्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर इस इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्यू आर के अंदर हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, सेम काम करना है, बीटा को आपको 90 रखना है और अल्फा आप यहाँ पर जीरो रख दोगे, बीटा अगेन 90 आ जाएगा, बी की वैल्यू आप यहाँ पर जेड के इक्वल रख दोगे। ठीक है, तो वहाँ से क्यू आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, साइन 90 हो जाएगा 1 और साइन 90 माइनस डेल्टा हो जाएगा कॉस डेल्टा। सो क्यू आर विल बी इक्वल टू वी एस वी आर बाय जेड इंटू कॉस डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये है पी आर एंड क्यू आर वैल्यूज फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब जो मॉडिफिकेशन हमने रिसीविंग एंड पावर के लिए किए, सेम टू सेम मॉडिफिकेशन हम सेंडिंग एंड पावर के लिए भी कर सकते हैं। तो सेंडिंग एंड पावर के ये दो फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो बस बीटा को आपको 90 रखना है, अल्फा को जीरो रखना है, ओके, और पी एस एंड क्यू एस की वैल्यूज आप यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो पी एस इक्वल्स टू आएगा कॉस 90 यहाँ पर हो जाएगा जीरो, ओके, और कॉस 90 प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा, माइनस साइन डेल्टा, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, पी एस की वैल्यूज आपके पास आएगी वी एस वी आर अपॉन जेड इंटू साइन डेल्टा, ये होगी पी एस की वैल्यू। सिमिलरली क्यू एस आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्यू एस के अंदर सेम मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं, बस बीटा को 90 रखना है, अल्फा को जीरो रखना है, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये कॉस नहीं होगा साइन होगा, लेट मी करेक्ट दिस फॉर यू, ओके नाउ इट्स राइट, साइन 90 यहाँ पर हो जाएगा 1, ओके, एंड साइन 90 प्लस डेल्टा आपको मिलेगा कॉस डेल्टा। ठीक है,
क्यू एस की वैल्यू आपके लिए आएगी वी एस स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वी एस वी आर अपॉन जेड इंटू कॉस डेल्टा। यहां पर एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि पी आर और पी एस दोनों का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम आया है, वी एस वी आर अपॉन जेड साइन डेल्टा एंड दिस इज ऑल्सो वी एस वी आर अपॉन जेड इंटू साइन डेल्टा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, आपने सेंडिंग एंड पर इतनी पावर जनरेट की और इतनी ही पावर आपको रिसीविंग एंड पर मिल गई। इसका मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोई भी एक्टिव पावर किसी भी कंपोनेंट ने कंज्यूम नहीं की, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने एक अजम्पशन यहाँ पर लिया था कि जो ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टिव पार्ट है, रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, वो डोमिनेटिंग नहीं है। उसका जो रिएक्टेंस वाला पार्ट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला पार्ट, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है ना। तो अगर वो डोमिनेटिंग है तो जितनी पावर आप सेंडिंग एंड साइड पर जनरेट करोगे उतना पावर आपको रिसीविंग एंड साइड पर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर डेरिवेशंस कंप्लीट होते हैं, पावर फ्लो इक्वेशंस के डेरिवेशन। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर वन, फॉर अ 247 kV ट्रांसमिशन लाइन ABCD पैरामीटर्स आर गिवन एज, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 0.75 एट एन एंगल 60 डिग्रीज, बी है 250 एट एन एंगल 76 डिग्रीज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर इन मेगावाट्स दैट कैन बी रिसीव्ड एट द लोड साइड एट यूनिटी पावर फैक्टर इफ द वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज मेंटेन्ड एट 247 kV। ऑप्शंस आपको यहां पर दिए हुए हैं, ABCD ऑप्शंस। आपको पता करना है कि कितनी पावर मेगावाट्स में, यानी कि एक्टिव पावर की बात हो रही है, रिसीविंग एंड साइड पर, लोड साइड पर आप रिसीव करोगे कितने पावर फैक्टर पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। डेरिवेशन के अंदर हमने फॉर्मूलाज यहाँ पर डिराइव किए, उन्हीं फॉर्मूलाज को आपको यहाँ पर यूज करना है। ABCD पैरामीटर्स की वैल्यू आपको गिवन है, और आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि जो वोल्टेज प्रोफाइल है ईच एंड पे, यानी कि सेंडिंग और रिसीविंग एंड पे, वो कितनी मेंटेन की गई है, 247 kV के इक्वल। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ कि यूनिटी पावर फैक्टर मुझे कंडीशन दी गई है। यूनिटी पावर फैक्टर का मीनिंग होता है कि जो भी पावर आपने रिसीविंग एंड साइड पे कंज्यूम की है वो केवल एक्टिव पावर होगी। यूनिटी पावर फैक्टर के केस में रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन रिसीविंग एंड साइड पर ज़ीरो होता है, और यहीं से मुझे डेल्टा की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो देखो, मुझे VS और VR दोनों का मैग्नीट्यूड कितना रखना है, 247 kV, क्योंकि ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि द वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मेंटेन्ड एट 247 kV, पहली बात। उसके बाद A की वैल्यू मुझे पता है, B की वैल्यू मुझे दी गई है। यहाँ A की वैल्यू जो है वहाँ पर अल्फा आपको 6 डिग्री दिया हुआ है। A के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, B के साथ जो एंगल होता है वो बीटा होता है। तो अल्फा है 6 डिग्री और बीटा है 76 डिग्रीज, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। पावर इज बीइंग कंज्यूम्ड एट यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब कि कंजम्पशन ऑफ रिएक्टिव पावर विल बी जीरो एट रिसीविंग साइड। तो ठीक है, क्यू आर की वैल्यू जीरो है, तो उसका जो पूरा फॉर्मूला है उसको मैं जीरो के इक्वल पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेल्टा कैलकुलेट करना है, और ये जो कंडीशन है ये डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए ही आपको दी गई है। VS और VR दोनों की वैल्यू है 247, B आपको दिया हुआ है 250, बीटा की वैल्यू है आपके पास 76 और अल्फा है 6 और A की वैल्यू है 0.75। सारी वैल्यूज आप यहां पुट कर दो, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करो। साइन 76 माइनस डेल्टा, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0.704 के इक्वल। तो यहां से 76 माइनस डेल्टा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.704, दैट इज इक्वल टू 44.8 डिग्रीज। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 31.2 डिग्रीज। ओके, अब डेल्टा अगर हमको मालूम चल गया है तो रिसीविंग एंड साइड पर कितना एक्टिव पावर पहुंच रहा है वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द पावर रिसीव्ड एट द लोड साइड, इस फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपको पहले से पता थी, केवल आपको डेल्टा यहाँ पर फाइंड करना था, ठीक है। तो डेल्टा हमें मिल गया 31.2 डिग्रीज। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो PR की वैल्यू आपको मिलेगी 110.55 मेगावाट्स। एक बार ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, 110.55 मेगावाट्स।
सो आई होप कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि रिलेटेड है ABCD पैरामीटर्स के ऊपर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। अ ट्रांसमिशन लाइन हैज़ दीज पैरामीटर्स, ए इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 0.8, बी इक्वल्स टू 185 एट एन एंगल 85 डिग्रीज, सी की वैल्यू है 0.5 × 10⁻¹। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया है वैल्यू ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज इज 765 kV एट नो लोड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेंडिंग एंड करंट इन द लाइन। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 0.45 एम्पियर्स, 0.85 एम्पियर्स, 0.12 एम्पियर्स और 0.2 एम्पियर्स। तो देखो ABCD पैरामीटर मुझे दिए गए हैं, मुझसे पूछा गया है कि सेंडिंग एंड साइड का करंट बताओ, और एक और इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दी गई है कि जो सेंडिंग एंड साइड का वोल्टेज है वो 765 kV है, कब? नो लोड कंडीशन में। तो बस इसी कंडीशन का यूज मुझे लेना है। तो यहां पे ABCD पैरामीटर्स की वैल्यूज मुझे पता है, VS मुझे पता है 765 kV, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर इक्वेशंस आपको पता ही है, VS इक्वल्स टू AVR प्लस BIR एंड IS इक्वल्स टू CVR प्लस DIR। अब देखो क्वेश्चन के अंदर मुझे बोला गया है, मेंशन किया गया है प्रॉब्लम में दैट VS इज द वोल्टेज एट नो लोड। नो लोड का क्या मतलब हुआ कि IR की वैल्यू जीरो होगी, रिसीविंग एंड साइड पे करंट जीरो के इक्वल होगा क्योंकि नो लोड कंडीशन है। तो बस IR को मैं जीरो पुट कर दूंगा ABCD पैरामीटर इक्वेशंस में, सो VS इक्वल्स टू मेरे पास बचेगा ओनली AVR। तो यहां से VS है मेरे पास 765 kV, तो VR मैं कैलकुलेट कर लूंगा जो आएगा 900 kV के इक्वल, और यहां से सेंडिंग एंड साइड का करंट मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू IS इक्वल टू CVR प्लस DIR। IR मेरे पास है जीरो, तो IS की वैल्यू आपके पास आ जाएगी C मेरे पास दिया हुआ है 0.5 × 10⁻¹। VR मैंने जस्ट अभी कैलकुलेट किया 900 kV, आप इसे सॉल्व कर लो, आपका IS का आंसर आएगा 0.45 एम्पियर्स के इक्वल। तो ऑप्शंस पर अगर हम जाएं तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, पावर फ्लो इक्वेशन से रिलेटेड डिस्कशंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे मैं कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो कि पावर फ्लो इक्वेशंस पर बेस्ड होंगे। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर इतना ही, अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमने ध्यान में रखना होता है जब हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं सेंडिंग एंड साइड से रिसीविंग एंड साइड तक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।